मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश श्री अनुपम राजन ने आज निर्वाचन सदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी संसदीय क्षेत्रवार निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने लोकसभा निर्वाचन 2024 के दूसरे, तीसरे एवं चौथे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए पूरी गंभीरता से प्रयास करने के निर्देश संबंधित जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए। विदिशा संसदीय क्षेत्र के लिए नियुक्त पुलिस प्रेक्षक श्री जी विजय कुमार ने सीहोर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण सिंह तथा पुलिस अधीक्षक श्री मयंक अवस्थी के साथ जिला मुख्यालय स्थित महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। विदिशा में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बुद्धेश कुमार वैद्य ने आज कलेक्ट्रेट के कक्ष क्रमांक 225 में संचालित एमसीएमसी कक्ष पहुंचकर पेड न्यूज की निगरानी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उज्जैन में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नीरज कुमार सिंह ने सोमवार को प्रशासनिक संकुल भवन में सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की बैठक ली एवं जिले के सभी मतदान केंद्रों में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आज दमोह में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सुधीर कुमार कोचर ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में मतदान दिवस के 72 घंटे एवं 48 घंटे पूर्व विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के संबंध में अधिकारियों से समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। सतना लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्वीप गतिविधि में नवाचार के तहत आज सतना और मैहर जिले में सभी 1950 मतदान केंद्रों में सुबह 9 बजे एक साथ मतदाताओं की शपथ का आयोजन किया गया। इस दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग वर्मा ने शासकीय हाई स्कूल सिविल लाइन स्थित मतदान केंद्र पहुंचकर मतदाताओं को मतदान की शपथ दिलाई। स्वीप हरदा के तहत मतदाता जागरूकता ध्वज रैली के समापन अवसर पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आदित्य सिंह ने उपस्थित सभी अधिकारी कर्मचारियों को आगामी 7 मई को लोकसभा निर्वाचन के लिए मतदान करने के संबंध में शपथ दिलाई।